नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक पर रामदास अठावले का बयान आया। कहा कि एनसीपी को एनडीए के साथ आना चाहिए था, लेकिन साथ नहीं दिया। अजित पवार एनडीए के साथ आ गए हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। ऐसे ही अब कई और राज्यों में एनडीए के साथ आएंगे। पटना में जो मीटिंग हुई है, मोदी जी अगर वो हटाने के लिए साथ आए तो हम लोग भी विपक्ष को हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पटना मीटिंग में नहीं गए, दलित वर्ग भी मोदी जी और योगी जी के साथ है। कहा कि पीडीए का एनडीए मुकाबला नहीं कर सकता। मुस्लिम समाज के लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लखनऊ से देखिए निखिल रस्तोगी की खास रिपोर्ट। यादव बोल रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो पीडीए जो है, इसी तरह का गठबंधन एनडीए के खिलाफ लड़ेगा, ऐसा तो बोल रहे हैं। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें से मैक्सिमम पिछड़ा वर्ग जो है ये नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। क्योंकि अपन विधानसभा में देखा है, निशाद जी की पार्टी वो भी बीजेपी के साथ है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, मेरी पार्टी आरपीआई भी बीजेपी के साथ है, राजभर की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, ओबीसी समाज बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। तो अकेले जी कौन सा पिछड़ा का संगठन की बात कर रहे हैं? दलित की बात करेंगे तो माननीय मायावती जी हमारी बहन है और उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर भी है। वो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन उनका जनादर टूटता जा रहा है। बहुत सारे नेता कार्यकर्ता बीएसपी को छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए तो दलित वर्ग भी बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। जयंत चौधरी जी है, जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, शायद वो भी थोड़ा सा अखिलेश पर, समाजवादी पार्टी पर नाराज चल रहे ऐसा लगता है। वो भी मतलब बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं, और समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट होने की संभावना हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और जनता मतलब इस पर नाखुश है। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नेता अलग अलग है। तो इसीलिए अजित पवार जी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत ही डेयरिंग बात निर्णय ले लिया है। शरद पवार जी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम उन्होंने किया है।